हम मरने के बाद स्वर्ग जाए यह काल्पनिक सफेद झूठ है। ठोस सत्य तो यह है कि मरने के बाद शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े लोग कहते हैं और वेद शास्त्र और विज्ञान भी बताते हैं कि ये शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है। आत्मा वो हवा है और जैसे ही शरीर से हवा निकलती है इंसान की मृत्यु हो जाती है, और फिर मरने के बाद वो हवा जो है वो वायुमंडल में मिल जाती है। तो फिर सोचो अपनी अकल से कि आदमी स्वर्ग में क्या लेकर जाता है। शरीर है वो तो धरती पर त्याग देता है, तो साथ में क्या लेकर जाता है? यानी कि सिर्फ मन में स्वर्ग में जाने का भ्रम पालकर जीवन जीना है, पर मरने से पहले धरती पर स्वर्ग बनाया जाए और जीते जी स्वर्ग का सुख देख ले, तो इससे महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है? क्योंकि मरने के बाद स्वर्ग में जाने की कल्पना करके जीवन को धोखे में रखना ये भी सबसे बड़ा धोखा है जो इंसान खुद के साथ करता है और साथ में दूसरों को भी धोखे में रखता है और जीवन भर इस भ्रम में रहते हैं कि जिसे जन्नत या स्वर्ग कहते हैं, परंतु हकीकत में तो स्वर्ग धरती माता ही है तथा नरक समुद्र के बीच किसी अज्ञात टापू पर है जहाँ से विश्व की तमाम विनाश लीलाओं का जन्म होता है। अनूप मंडल के ग्रंथों के अनुसार नरक के संचालन करता तथा प्रवर्तक हिंदुस्तान के जैन महाजन हैं। जैन धर्म के शास्त्रों के अनुसार जैनी किसी अज्ञात टापू के मालिक है तथा वे दुनिया से उसे छुपा कर रखे हुए हैं। वहां पर मुक्ति पाप करने के लिए 84 लाख कुंडियां बनाई हैं तथा रात दिन संसार के नाम का पाप करते हैं, जिसके कारण आज दुनिया में भारी दुख है तथा संसार के लोगों को भ्रमित करने के लिए नरक की शोभा चलाई है, पर वास्तव में वहां पर संसार में बुरा करने के प्रयास किए जाते हैं। इन सभी के पीछे जीन शासन का हाथ है। अगर सभी धर्म प्रेमी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकजुट होकर इन जैन मजहबियों से पूछताछ करें तो सत्यता बाहर आ सकती है। अनूप मंडल सिरोही से राजू शहर।